अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ शुएब बागी रावी वर्ल्ड की जानिब से आपका टीचर। आज जो हम जो चीज़ सीखने जा रहे हैं लोअर थर्ड है, लोअर थर्ड की एपिसोड 3 है। सो शुरू करने से पहले जो मोशन ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं, आफ्टर इफेक्ट सीखना चाहते हैं, एनिमेशन समझना चाहते हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। जो नहीं समझना चाहते या जिनका इंटरेस्ट कुछ किसी और चीज़ में है वो छोड़ के जा सकते हैं, उन पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो चलिए चलें जल्दी से देखते हैं कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने पहले से ही एक मैंने एनिमेशन बनाई हुई है, आपको इस कोने पर नज़र आ रही होगी, ठीक है। सो लोअर थर्ड आप आई थिंक ये सबको पता है किसको कहते हैं, बट जिनको नहीं पता उनको मैं बताता हूँ कि लोअर थर्ड एक छोटी सी टेक्स्ट होता है जो कि आपकी वीडियो के एक तिहाई हिस्से पर नज़र आता है, ठीक है। दो तिहाई हिस्से वो छोड़कर एक तिहाई हिस्से में नज़र आता है, वो कहीं भी हो सकता है, लेफ्ट कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे, ऊपर नीचे, ठीक है ना। सो ये चीज़ है और आप इसको आसानी से बना सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। अभी आपने जितनी भी एनिमेशन पहले जिन दो एनिमेशन के बारे में मैंने बात की थी वो एनिमेशन जो थी वो इस तरफ से शुरू होती थी, लेकिन ये शुरू यहाँ पर हो रही है, लेकिन इसका टेक्स्ट जो है वो सॉरी राइट लेफ्ट साइड पर आ रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से हम इस एनिमेशन को बना सकते हैं सिंपली तरीके से, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो मैं वीडियो इस वक्त इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ ये फ्री स्टॉक की वीडियो है, pixels.videos या videos.pixels.com। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। जो भी वीडियो है वो आप वहाँ से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। वरना अगर आप किसी की चोरी करके इस्तेमाल करेंगे तो YouTube पे अगर काम कर रहे हैं तो वो बैन हो सकती है आपकी वीडियोस, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं हमेशा की तरह अपनी सेटिंग जो है वो सेम वही रख रहा हूँ और 10 सेकंड काफ़ी है मेरी एनिमेशन के लिए। सो ओके नेक्स्ट करना ये मैंने कि मैंने पहले जिस तरीके से हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था, पहले मैं इसका जो सेटअप जो है मैं वो बनाऊँगा, बाद में इसको मैं एनिमेट करूँगा, बेस्ट रहता है ये, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप पहले एनिमेशन दे देते हैं बाद में आप उसको डिज़ाइन करते हैं तो उसमें पोजीशन वगैरह की फ्रेम्स के अंदर फ़र्क आ जाता है, ठीक है। सो इसलिए हम ऐसा करेंगे। सबसे पहले आपने जो भी आपकी फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब के लिए बनाना चाह रहे हैं या अपनी अपना कोई लॉगो देना चाह रहे हैं ये वगैरह वगैरह कुछ भी, ठीक है, जो भी आप डिपेंड करता है वो आप इसमें इम्पोर्ट कर लें सिंपली, ठीक है। मैंने यहाँ से इम्पोर्ट किया हुआ है। नेक्स्ट आपने करना ये कि इसको फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम या मैंने ट्विटर बनाया हुआ, लेकिन मैं ये देखें ट्विटर के अंदर फेसबुक का लॉगो मैंने दे दिया था, आई थिंक कि आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, तो चलें दोबारा बना लेते हैं। ट्विटर का मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ इमेज को और मैंने यहाँ से सिंपल ये आप छोटा सा आपको आइकॉन नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ट्विटर की जो कॉम्प थी वो उसने उसके साइज़ की बना दी, ठीक है। इसमें कोई चीज़ एडिट करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ये ट्विटर थ्री सॉरी। सो मैंने इसको कर दिया क्लोज, ठीक है। अब मैंने इसको ट्विटर को सेलेक्ट किया और यहाँ पर ड्रैग कर लिया। सो मैंने एस का बटन प्रेस किया स्केल के लिए और यहाँ से मैंने बहुत छोटा, क्योंकि मेरा ट्विटर का लोगो काफ़ी बड़ा है, सो मैं इसको सिर्फ जस्ट 5% पर मैं सेट कर रहा हूँ। 5% ज़्यादा छोटा लग रहा है तो आप इसको 6% कर दें, 7% कर दें, ठीक है, जस्ट जो भी आपके आपकी लोगो के हिसाब से है, ठीक है। नेक्स्ट आपने करना ये है यहाँ पर कि आपने इसके ऊपर एक स्क्वायर बनाना है। यहाँ से स्क्वायर सेलेक्ट करें, आप कलर का कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्राइट कलर होगा तो मे बी बेटर लगेगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसी तरह का कलर चूज़ करूँ, सो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और पिक कलर से मैंने इसी तरह का एक लोगो बना लिया, सॉरी लोगो का कलर मैंने पिक कर लिया और मैंने जस्ट एक स्क्वायर यहाँ पर बना लिया, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, इसका मैंने एंकर पॉइंट दरमियान में रखा और मैंने इसको यहाँ से इस तरीके से ड्रैग कर लिया। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये लोगो जो है इसको मैंने डाउन किया, ठीक है, शेप को, और मैं इसको यहाँ पर मैट दे रहा हूँ। अब मैट क्यों दे रहा हूँ वो मैं बताता हूँ। अब मैं चाह ये रहा हूँ कि मेरा जो लोगो है वो इस कॉम्प के अंदर यानी इस शेप के अंदर से कट जाए, सो मुझे शेप को नीचे रखना पड़ेगा और यू जो है मेरा लोगो ट्विटर का उसको मैं ऊपर ड्रैग करूँगा। अब मैंने नीचे वाले को सेलेक्ट करके यहाँ से अल्फ़ा इन्वर्टेड मैट पर क्लिक करूँगा तो उसमें से कट जाएगा। अपने मैं ट्विटर को उठा के यहाँ पर ड्रैग करूँगा, देखें वो सा उसका कट रहा है, ठीक है ना। सो ये बहुत सिंपल है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेंटर अलाइन कर देंगे दोनों को,
नेक्स्ट यहाँ पर कॉम्पोजिशन सेलेक्ट करेंगे और फिर दोनों को अलाइन कर देंगे ताकि वो कॉम्प के सेंटर में भी आ जाए। सो ये हमारा पहला जो स्टेप था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल एक्यूरेट है, परफेक्ट सेटअप हमारा जो था वो बन गया। नेक्स्ट हमने टेक्स्ट ऐड करना है, टेक्स्ट आप सिंपली ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है, जो भी आप ऐड करना चाहें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से फॉलोअर्स, लेकिन ये इसकी जो फॉन्ट है वो मैं लेमन कर रहा हूँ, ये एक बहुत अच्छा फॉन्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहें तो आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगा, सो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। नेक्स्ट आपने इसका जो साइज़ था, फॉर एग्जांपल पहले इसका दूसरा टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी का बटन प्रेस किया तो डुप्लीकेट हो गई, इसको डाउन कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने टाइप किया अडोबी वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, अब मैंने अडोबी वर्ल्ड सेलेक्ट किया है और अब मुझे इसको इसके साथ अलाइन करना है, सो मैं इसको यहाँ पर दरमियान में ड्रैग कर रहा हूँ, इसको फिलहाल मैं फॉलो को मैं ऊपर रख देता हूँ, ठीक है, कुछ देर के लिए। इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ करता हूँ कि कहाँ पर ये बेटर मुझे फील होता है, इस जगह पर, ठीक है, आई थिंक के बेटर है इस जगह पर। और नेक्स्ट जो फॉलो है, फॉलोअर्स, इसको मैंने यहाँ से इसका साइज़, अगर मैंने इसका साइज़ 100 रखा है तो मुझे इसका साइज़ 33 रखना है, ठीक है ना, सो मे बी अराउंड 33 रख रहा हूँ और इसका इसके अंदर जो गैप है वो मैं मे बी 400 कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अब आपको इसमें एक चीज़ बुरी लग रही होगी, वो बुरी ये चीज़ लगेगी कि आपका ये जो टेक्स्ट था या ये जो हमारा शेप और दोनों चीज़ें थी, शेप की और लोगों की, ये दोनों बहुत अजीब से लग रहे हैं, यानी बड़े लग रहे हैं, इनका आपस में कोई मैच नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने फाइनल कॉम्प में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये बिल्कुल एक्यूरेट हैं, कटे हुए हैं, ठीक है ना, सो आपने यही चीज़ इसके अंदर भी करनी है। उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आपने ये जो दोनों लेयर्स आपने सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, इनको आप चाहें तो प्री कम्पोज, बल्कि नहीं, ये प्री कम्पोज नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर अभी हमें इसको एनिमेट करना है। सो आप इसको जो मेट का है इसको आप सेलेक्ट करें, स्केल से इसको थोड़ा सा डाउन कर लें, और उसके बाद नेक्स्ट आपने अब जो हमारा ट्विटर का लोगो था इसको बहुत स्लोली स्लोली डाउन करना है क्योंकि बहुत हाई रेजोल्यूशन पे था इसलिए, सो मैं इसको 6.5 कर रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर आपको नहीं हेल्प मिलती तो आप यहाँ पर क्लिक करें और ग्रिड ऑन कर लें। अब यहाँ पर आप इसकी ग्रिड को समझते हुए, फॉर एग्जाम्पल मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, ठीक है, अकेठा, और इसको मैंने इस ग्रिड के ऊपर रखा, ठीक है, समझने के लिए कि हमारी एनिमेशन कहाँ जा रही है, और ये सेलेक्ट करके मैंने इसके बॉटम में रखा और ये इस जगह पर, ठीक है ना, मतलब मैं पोजीशन फाइनलाइज कर रहा हूँ फिलहाल इसकी यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे इसको थोड़ा सा छोटा करना है, सो मैंने दोनों इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से 75% पे कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि हमारी एनिमेशन जो है वो बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने अपना दोबारा से लोगो सेलेक्ट किया और उसको मैं थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ। अगर आपको उसका साइज़ थोड़ा बड़ा लग रहा है सो आप इसको यहाँ से छोटा कर सकते हैं। जो डिज़ाइनिंग होती है वो मेन चीज़ है सबसे, आपकी एनिमेशन कितनी भी अच्छी हो, जब तक आपकी डिज़ाइनिंग नहीं है, जब तक आपके कलर, आप वो चीज़ डिज़ाइनिंग उसकी अच्छी नहीं होगी, तब तक कोई भी चीज़ आपको दिखने में अच्छी नहीं लगती, चाहे आपकी कितनी भी ज़्यादा एनिमेशन आपको बनानी आती हो, ठीक है ना। सो वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें आती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। सो ये चीज़ें यहाँ तक तो ये बन गई। अब मैंने इसको सर को सिलेक्ट किया, सॉरी टेक्स्ट यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, और मैंने इसको आगे ड्रैग कर लिया इस जगह पर, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना ये है कि अब आपने इसको मैट को सिलेक्ट किया और जो हमारा यानी बॉक्स बना था, सो मैंने इसका जो की फ्रेम था वो मैंने इस जगह पर बना दिया, ठीक है ना, ये जो हमारा एंकर पॉइंट था ये इस जगह पर ले गए। अब मैंने कंट्रोल डी डुप्लीकेट प्रेस किया, ठीक है, और मैंने इसको सबसे नीचे, कहाँ पर, सबसे नीचे मैं ले गया और इसका मैंने नो मैट, कोई मैट मैंने इसका ऑन नहीं किया, ठीक है। अब मैंने करना ये है कि इसको मैंने एज जितना ये खींच सकता है मैं इसको खींच रहा हूँ, इस तरीके से ये खींच गया, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट किया और मैंने पी का बटन प्रेस किया पोजीशन के लिए, और जो हमारा मैट था उसका भी मैंने पी का बटन प्रेस किया पोजीशन के लिए। अब मैं ऑल्ट प्लस क्लिक कर रहा हूँ तो ये इस तरह का हमारे पास आ जाएगा। आपने ये पैरेंट का एक जो छोटा सा बना हुआ आइकॉन है इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर आप इसके पोजीशन के साथ हम अटैच कर देंगे, अटैच हो गया। अब ये क्या चीज़ है ये मैं आपको बताता हूँ, ये मैं कर रहा हूँ फॉलो अस, अब एक मिनट, मैट फॉलो, ठीक है, और अगेन मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ और मैं यहाँ से कर रहा हूँ मैट हमारा अडोबी वर्ल्ड का, ठीक है ना, AW अडोबी वर्ल्ड के लिए,
अब मैंने ऊपर वाले को सिलेक्ट करना है और जाना है यहाँ पर, ठीक है। और Adobe World के अंदर मैंने अल्फा इन्वर्टेड मैट करना है, यानी मैं चाह रहा हूँ कि इस बॉक्स के अलावा नजर आए हमारा टेक्स्ट, ठीक है। वो क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं फॉलोअर्स के ऊपर रख रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ किसको, फॉलोअर्स को, हम अपने टेक्स्ट, सेकेंड टेक्स्ट को मैंने यहाँ से अल्फा इन्वर्टेड मैट कर दिया। अब होगा क्या, होगा ये कि इसके साथ पेरेंट करने की वजह से जब मैं अपने इसको मूव करूँगा तो सो जस्ट ये यहाँ पर देखें इस तरीके से वो गायब होता जा रहा है। असल में वो गायब नहीं हो रहा, वो हो क्या रहा है कि ये जो दो हमने अपने बनाए थे बॉक्स वगैरह या लाइंस वगैरह, ये इसी के साथ पेरेंट की थी मैंने पोजीशन के साथ, लेकिन आपको उसके की फ्रेम्स वगैरह जो हैं वो बिल्कुल सेट करके रखने हैं पहले की फ्रेम्स, या ये एंकर पॉइंट, एंकर पॉइंट आपने बिल्कुल लेफ्ट साइड पर सेट किया था, तभी उसके बाद जब, यानी जब आपने अपनी पोजिशन फाइनल कर लेनी है उसके बाद आपने ये चीज़ करनी है, वरना ये इसके साथ पेरेंट होने के बावजूद भी बहुत ही वियर्ड अजीबोगरीब तरीके से मूव करेगा, ठीक है। इसमें कुछ लिमिटेशन है, कुछ चीज़ों का आपको ख्याल करना है। नेक्स्ट, अब हमारी एनिमेशन यानी हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। यहाँ से मैं 2 सेकंड पर गया और मैंने, अच्छा अब ये जो मैट थे जो दो, इनको सेलेक्ट करके ये मैंने दरमियान में एक छोटी सी लेयर पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये जो आ रहा होगा निशान, ठीक है, आपने इस पर क्लिक किया जो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, और उसके बाद आपने ये इस पे लेयर पे क्लिक करना है, हाइड ऑल लेयर्स फॉर विच दी शाय स्विच इज सेट, क्लिक करूंगा वो दोनों चीज़ें चलेगी ताकि मेरी जान छूट गई, ठीक है ना, मतलब पक्की तौर पे मजाक कर रहा हूँ। पीक बटन प्रेस करूंगा पोजीशन के लिए और मैंने सबके की फ्रेम्स बना दिए, ठीक है, सबके की फ्रेम्स मैंने बना देने हैं, सेलेक्ट कर रहा हूँ अगेन। अच्छा, अब आप पे टोटली आप पे डिपेंड है कि आप इसको किस चीज़ किस तरीके से मूव करते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैं अपने लोगों को रोटेट करना चाहता हूँ, सो मैं आर का बटन प्रेस कर रहा हूँ रोटेशन के लिए, और एस का बटन प्रेस कर रहा हूँ स्केल के लिए, स्केल का आई थिंक पहले ही दे चुका हूँ मैं, ठीक है ना। सो मैंने अब करना यह है कि मैंने सिंपल अपने मैट को, पहले मैं अपने लोगों को मूव करता हूँ, मैं गया 0 की फ्रेम पे और मैंने यहाँ से इसको यू का बटन प्रेस किया ताकि इसकी तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सामने आ जाएँ, बाकी मैं 2 को ऑफ कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना पैदा हो कोई। अब मैंने इसको पोजीशन इसकी मैंने थोड़ी सी राइट साइड पे की, बल्कि मैं पहले इसको रोटेट करता हूँ, ये रोटेशन मैंने इसमें पैदा की और इसका साइज़ मैंने जस्ट 0.5% किया और इसको मैंने थोड़ा सा आगे मूव किया। सो अब हम इसको थोड़ा सा प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरह का लग रहा है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा डायनेमिक हो या थोड़ा सा इसके अंदर हम एग्रेसिवपन इसके अंदर करें, यानी एकदम से आए, सो मैं इसको सिलेक्ट करके F9 का बटन प्रेस कर रहा हूँ। ग्राफ एडिट पर जाने के बाद यहाँ से शुरू से इसको स्लो करके लास्ट तक मैं ले आता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब प्ले करते हैं ये चीज़, ठीक है ना, क्योंकि हमारी एनिमेशन 2 सेकंड की है इसलिए कुछ ऐसा हो रहा है, बट हम इसको बाद में सेट कर सकते हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। मैट को मैंने सिलेक्ट किया और यू का बटन प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, पोजीशन के लिए आ गया, मैं इसको सिर्फ पोजीशन देना चाहता हूँ और कुछ नहीं। सो मैंने इसको यहाँ से ड्रैग किया सिंपली, सिंपल ड्रैग किया यहाँ तक जब तक हमारा टेक्स्ट जो है वो ऑफ ना हो जाता है। सो ये इस तरीके से हमारा टेक्स्ट लग रहा है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें मैंने एस का बटन प्रेस किया स्केल के लिए, यू का बटन प्रेस करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं नेक्स्ट की फ्रेम पे जा गया जहाँ पर हमने इसको सेट किया था, उसके बाद मैंने एस का बटन प्रेस किया स्केल के लिए और मैं शुरू में आ गया। यहाँ पर जो सबसे ट्रिक वाली बात है वो ये है कि आपने जब यहाँ पर आना है उसके बाद आपने करना ये कि आपने इसका जो स्केल का जो इसकी जो वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल जो स्केल था वो आपने 0 कर देना है। सो ये कुछ इस तरह का लगेगा, ये देखें, ठीक है ना। अब आपने करना ये है कि जब ऐसा मतलब लग रहा है, ठीक है ना, अब इसके अंदर थोड़ा सा आपको एरर नज़र आ रहा होगा कि ये देखें यहाँ पर हमारा जो स्क्वायर था वो चेंज हो गया, यानी वो इस टेक्स्ट को अच्छे तरीके से हाइड नहीं कर पा रहा, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर हल्का सा एरर है। अब हमने पहले, अगर आप सोच रहे हो कि शायद जो मैंने पहले 2 मैट्स बनाए थे उनको मैंने पेरेंट किया था सिर्फ पोजीशन, अगर मैं उनको सबको मैट कर देता तो मैं जैसे ही अगर मैं इसकी स्केल की प्रॉपर्टीज़ को छेड़ता तो वो भी ख़राब हो जाते, लेकिन ऐसा अब ऐसा नहीं हो सकता, अब मैं स्केल के साथ उसके चेंजिंग कर रहा हूँ सो वो एरर नहीं दे रहा। सो यहाँ पर दोनों मैट्स को मैंने सेलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल मैं ये Adobe World वाले को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग कर रहा हूँ तो ये हमारा एरर जो था वो ख़त्म हो गया होगा, ठीक है।
सो अगेन यहाँ पर मैं जा रहा हूँ और कुछ देखते हैं चला के, कुछ इस तरीके का है, अच्छी लग रही है। युगा बटन प्रेस करते हैं, और सॉरी मैट को सेलेक्ट किया, युगा बटन प्रेस किया और यहाँ से F9 का बटन प्रेस करके अगेन हम इसकी जो एनिमेशन है उसको मैं कंट्रोल कर सकते हैं जैसे आपका दिल करे। आई थिंक ये इसको इस दफ़ा लास्ट में हमें तेज़ करना चाहिए। ठीक है, सो ये तो ये चीज़ें हो गई कंट्रोल, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो टेक्स्ट है वो कहाँ से पेयर हो, सो मैंने इसको सेलेक्ट किया और इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद पी का बटन प्रेस किया पोजीशन के लिए। इनके की फ्रेम्स मैंने पहले सेट किए हैं, सो मैं इसको दस थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ इस तरीके से, और अगेन इसको सिलेक्ट करने के बाद F9 का बटन प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ से ये चीज़, ठीक है ना, मतलब रैंडम है, आप कुछ भी ट्राई करें जो अच्छा लगे इस तरीके से। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा टेक्स्ट जो है वो पहले हो जाता है पेयर, सो मैं इसको सिलेक्ट करके इसकी एनिमेशन जो है वो कुछ लेट कर देता हूँ यहाँ से कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। ये चीज़ ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको एन का बटन प्रेस करके क्लोज करता हूँ और अब हम इसका प्रीव्यू लेते हैं। सो आज की क्लास ख़त्म हो गई, ज़्यादा आई थिंक मैंने कोशिश की थी कि लंबी ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें समझानी ज़रूरी थी इसलिए। अच्छा, इसके अंदर छोटी सी चीज़ें, आप इसको सारे को सिलेक्ट करें और मोशन ब्लर ऑन कर लें, और आप मोशन ब्लर का ये भी टैब ऑन कर दें। सो अब आपकी जो एनिमेशन है वो थोड़ी सी और अच्छी जो है ना वो लग रही होगी, एक अच्छा सा ब्लरी सा एक इफेक्ट आ जाता है स्पीड, जो कि स्पीड से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है ना। जब हम स्पीड में कोई चीज़ देखते हैं तो वो ब्लर होती है, सो इस तरीके से कोई ये चीज़ नज़र आ रही होगी। सो अब आगे नेक्स्ट क्या करना है आप अच्छे तरीके से जानते हैं, सिलेक्ट करें। अच्छा, इसके अंदर एक छोटी सी ट्रिक देता हूँ। अब हमारे टेक्स्ट के अंदर सब कुछ सेम है सिवाय इस कलर के, बाकी सब वाइट है। सो मैं फॉलो का कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ, चेंज कर रहा हूँ मैं इसी कलर पे, ठीक है। सो हमारा जो कलर था, जो थीम था दो कलर्स का, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टेक्स्ट है वो भी, मतलब थोड़ा सा आप कह लें डिज़ाइनिंग आ जाती है जिस तरीके से मैंने यहाँ पर किया है, ये देखें, ठीक है ना, ये चीज़। अच्छा, अब आप उसको प्री कंपोज जो हमने किया था अपना लोगो, इसको कंपोज करने का फ़ायदा ये था कि जैसे ही मैं इसकी कॉम्प ओपन करूँगा कंपोजिशन, अब यहाँ पर मैं ट्विटर का लोगो या यूट्यूब का लोगो कोई भी लोगो एंटर करूँगा तो वो हो जाएगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा एरर है, मिसाल के तौर पे फेसबुक और यूट्यूब दो ऐसे लोगो हैं जिनके अंदर देखें ये एक शेप है, ठीक है, उसने वो शेप इसके अंदर से माइनस कर दी, इस बॉक्स के अंदर से, ठीक है, वो कलर माइनस नहीं करता। फॉर एग्जांपल मेरा यूट्यूब का लोगो है, मैंने यहाँ पर इसको ड्रैग किया और मैंने ट्विटर का लोगो ऑफ कर दिया। जब मैं अपनी कॉम्प वन पे जाऊँगा तो अब देखेंगे उसका जो दरमियान वाला बटन था वो तो गायब हो गया। वो क्यों गायब हुआ, क्योंकि उसके हिसाब से तो ये पूरी की पूरी सिर्फ जस्ट फिल है, ये जस्ट फिल इफेक्ट है और कुछ नहीं है। सो उसने क्या करना है, उसने सारे को काट दिया। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका प्ले का बटन जो है वो उसके अंदर नज़र आए, सो उसके लिए आपको करना पड़ेगा जिस तरीके से यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये देखें, उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा इसको सेलेक्ट करें, पेन टूल लें और आपने यहाँ से क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ चाहिए चीज़, ठीक है ना। आप इसको रैंडमाइज कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं अब चेक करता हूँ जाके, फॉर एग्जांपल मैंने अब कॉम वन पे गया तो अब देखें उसके अंदर सिर्फ एक प्ले का बटन कट गया होगा, लेकिन आपको तो उल्टा करना था। सो अगेन मैं इसको यूट्यूब के बटन को सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं एफ़ का बटन प्रेस कर रहा हूँ फेदर के लिए। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ऐड आ रहा है, ऐड के सामने एक बॉक्स बना होगा इन्वर्टेड का, आपने इस पर चेक लगाना है, सॉरी। अब देखें वो बटन जो था वो कट गया यहाँ से। सो अब मैं अगर कॉम्प वन पे जाऊँगा अपनी पे तो अब आपको नज़र आएगा कि बटन जो था वो कट गया, क्योंकि वो इस जगह को खाली समझ रहा है और एक खांचा आप समझते होंगे उसके अंदर से उसने गुजार के काट दिया, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके आप इसका साइज़ जो है थोड़ा सा बड़ा कर लें जितना आपकी इसके अंदर बेटर फिट बैठता है, ठीक है, ये चीज़ इस तरीके से, ठीक है ना। और अगर अगर आप चाह रहे हैं कि इसका आपने रफ एजिस करने हैं थोड़े से, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है और हमारा मेट, क्योंकि ये शेप है सो आपने कंटेंट में जाना है। कंटेंट में जाने के बाद ये यहाँ पर आपने ये जो यहाँ पर आने के बाद इसकी राउंडनेस आप सेट करना है, सो आपको आपकी मनचाही शेप जो है वो इजीली मिल जाएगी।
सो आज का ट्यूटोरियल ख़त्म हुआ। हमेशा की तरह दुआ में मुझे याद रखें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दें, कोई ऐसा इशू नहीं है। राय देना आप सबका हक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास में कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको शायद ये क्लास बोर भी लगी हो, ठीक है ना। लेकिन मैं आपके लिए इस तरह की छोटी छोटी क्लासेज जो हैं वो लेके आता रहूँगा। इसके अंदर टिप्स भी होती हैं, ट्रिक्स भी होती हैं और आपके लिए कुछ नया भी होता है ज़रूर। हम बाज़ात हम बहुत ज़्यादा हाई चीज़ें सीख जाते हैं लेकिन बेसिक या छोटी चीज़ें जो होती हैं वो रह जाती हैं, ठीक है ना। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने आज यूट्यूब पे बताया कि अगर आपको मैं ना बताता तो आप परेशान होते कि ये बटन नहीं आ रहा वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं फेसबुक का लॉगो इम्पोर्ट करूँगा इसके साथ भी यही प्रॉब्लम होगी, जस्ट एज़ यूट्यूब के बटन के साथ जो प्रॉब्लम हुई थी, ये देखें। क्योंकि उसने सिर्फ पूरी की पूरी शेप काट दी, उसके लिए मुझे करना ये पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मैं बता क्लास लंबी होती जा रही है, मैंने जस्ट F का बटन प्रेस किया और यहाँ से एक फॉन्ट है नेक्सा बोल्ड, नेक्सा बोल्ड, ठीक है। सो मैंने उसका साइज़ कुछ इंक्रीज कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब ये किसका कलर क्या है इसे कोई ये कोई मायने नहीं रखता, ठीक है ना, कि जी इसका कलर क्या है और वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ पर मैं जस्ट एस्टिमेटली जो है मैं यहाँ से रख देता हूँ, ठीक है। कोई मैं फिक्स नहीं कर रहा कि जी यहाँ पर रखना है और वहाँ पर रखना है, ठीक है ना। ठीक है, अब मैंने फेसबुक को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने अल्फा इमेटेड मैट कर दिया। सो ये उसने इसका एफ का हिस्सा काट दिया, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पर चेक करूँगा सो आपको आपका एफ जो है वो नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह की ट्रिक्स जो है ना, कोई भी ट्यूटोरियल अपलोड मैं करूँगा ना उसके अंदर शायद ना अलहदा से नहीं बता सकूँगा, इसलिए साथ साथ छोटी छोटी ट्रिक्स जो हैं वो हमें नज़र आती जाती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकला देखने का, चैनल को सपोर्ट करने का, और मुझे दुआ में हमेशा याद रखें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के मज़ेदार ट्यूटोरियल्स हैं वो लेके आता रहूँ। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।